नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे न्यूज वन टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने इस मामले में जजमेंट सुनाया, जिसमें जजों के बीच सहमति और असहमति रही। आइए जानते हैं कैसे हुआ ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह मामले को लेकर सुनाए गए अपने फैसले में देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से कहा कि कानून समलैंगिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है और इसके लिए कानून अगर बनाना है तो वो संसद का काम है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि उसने समलैंगिक विवाह के कानून से संबंधित फैसले को संसद के पास भेज दिया है। बहरहाल न्यायाधीशों के पैनल में से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने समलैंगिक साझेदारी को मान्यता देने की वकालत की। ये अदालत संसदीय राज्यों की विधानसभाओं को शादी की नई संस्था का गठन करने के लिए विवश नहीं कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानून बनाना आवश्यक है। इसके अलावा इन दोनों न्यायाधीशों ने ये भी तर्क दिया कि समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि 5 न्यायाधीशों की पीठ के समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चा गोद लेने पर विचार भिन्न थे। 4 अलग अलग फैसलों में इस मामले के खिलाफ 3-2 के आधार पर फैसला सुनाया गया। फैसले में किस बात पर जजों के बीच सहमति थी, आइए जानते हैं। जजों ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम असंवैधानिक नहीं है। समलैंगिक संबंधों की बात करें तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानूनों या व्यक्तिगत कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं, संविधान विवाह करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। की व्यापक जांच और सभी हितधारकों के विचार लेने के लिए एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन करेगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना अदालत के अधिकार से परे है। अदालतें विशेष विवाह अधिनियम को रद्द नहीं कर सकती हैं। समलैंगिक लोगों को अनैच्छिक चिकित्सा उपचार के अधीन नहीं होना चाहिए। समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को सक्षम बनाने में राज्य का हस्तक्षेप किसी कानून के अभाव में नहीं किया जा सकता है। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि समलैंगिक जोड़ों द्वारा चुनी गई पसंद के हस्तक्षेप न किए जाएं और LGBTQIA+ समुदाय को अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जाए। आइए जानते हैं कि जज किन बातों पर सहमत नहीं थे। CJI DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति SK कौल ने माना कि समलैंगिक जोड़े संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं और समलैंगिक जोड़ों को छोड़कर गोद लेने के नियम भेदभावपूर्ण है। दोनों की राय थी कि कानून किसी व्यक्ति की कमुकमता के आधार पर अच्छे और बुरे पालन पोषण के बारे में नहीं धारणा बना सकता है। इस पर जस्टिस S. रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा ने कहा कि गैर विषमलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जजों ने नागरिक संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देने के पक्ष में फैसला सुनाया, तो वहीं कुछ जजों की राय थी कि नागरिक संघ का कोई ऐसा अधिकार नहीं हो सकता जिसे कानूनी रूप से लागू किया जा सके। CJI ने कहा कि समलैंगिक समुदाय को यूनियनों में शामिल होने की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान के तहत दी गई है। यूनियनों में प्रवेश का अधिकार यौन रुझान पर आधारित नहीं हो सकता है। CJI की राय समलैंगिक जोड़ों के बीच संबंधों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों को मान्यता देना राज्य के कर्तव्य को मान्यता देने की थी। इस पर कहा गया कि समलैंगिक जोड़ों को पहचानने में विफलता से समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से 5 न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न समान लिंग वाले जोड़ों, LGBTQIA+ कार्यकर्ताओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा दायर 20 याचिकाओं पर सुनाई के बाद इस मामले पर फैसला सुनाया, जिसमें 1954 के विशेष विवाह अधिनियम, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। 1969 का विवाह अधिनियम गैर समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग करता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।